आप सभी को विद्या बलम द एग्जाम वॉरियर्स टीवी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 23 दिसंबर 2018 को हमने जो है टीजीटी केवीएस टीजीटी का एग्जाम दिया था, जिसका रिजल्ट अभी आंसर किया आ चुका है। तो अब हम आज संपूर्ण जितने भी प्रश्न पत्र पूछे गए थे, जितना भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जो आंसर की मैं बताया है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। और आपको यदि ये पीडीएफ फाइल में चाहिए तो आप जो है कि मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगा, जिसमें क्वेश्चन पेपर और उसके साथ जो है कि आंसर की भी रहेगा। तो आप इसको भविष्य में हम अपने यूज कर सकते हैं, अपने पढ़ाई के लिए, अपनी आगे की तैयारी के लिए यूज कर सकते हैं। और इसी चर्चा से फिर एक बार हमें स्मरण होगा, हमें ज्ञान होगा हमारी कहाँ त्रुटि है, क्या है, कैसे है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो है कि टेस्ट बुकलेट कोड है पी, तो ये सेशन दो में आफ्टरनून में हुआ था ये टीजीटी का एग्जाम। आइए शुरू करते हैं। तो पार्ट वन में जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद जो है कि जनरल हिंदी के जो है कि 11 से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के 21 से 60 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। रीजनिंग एबिलिटी 61 से 100 तक पूछे गए हैं। इसके बाद 10 नंबर का 101 से 110 तक कंप्यूटर लिटरेसी पूछा गया था। इसके बाद पैडागोजी 111 से 150 तक पूछा गया था। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं। तो सबसे पहले ये इंग्लिश का मिला है, इंग्लिश का है, इंग्लिश के बारे में हम बात करते हैं। इम्प्रूव द अंडरलाइन फ्रेस इफ नेसेसरी विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस। इफ आई हैड नॉट टोल्ड यू, यू विल नॉट नो द ट्रूथ। तो यहाँ पर यू विल नॉट नो जो है कि गलत है। इसका क्वेश्चन 4 नंबर सही है, यू विल नॉट हैव नोन, तो ये सही रहेगा। आगे चलते हैं। चूज द मीनिंग दैट बेस्ट सुइट्स द फॉलोइंग आइडियम्स। तो यहाँ पर जो है कि एक जो है कि मुहावरा दिया है, इसका जो है कि सबसे उचित समुचित जो है कि इसका अर्थ कौन सा हो सकता है। तो इसमें यहाँ पर है बी बाउंड अप विथ, तो इसका क्वेश्चन उत्तर नंबर 2 सही है। बी ओवरवेलम्ड बाई, ये उत्तर सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इससे जो है कि मिलता जुलता जो है कि बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पर एक वाक्य दिया गया है, इसके से मिलता जुलता और इससे बढ़िया, मतलब इसके साथ में लगा हुआ कोई हमें उत्तर चाहिए तो उसको बताना है। तो यहाँ पर जो है अ नंबर ऑफ टेनेंट्स हैव बीन एविक्टेड फॉर नॉट पेइंग द रेंट। तो यहाँ पर एविक्टेड में अंडरलाइन लगा है, इसका थ्रोन आउट होगा। इस प्रकार से आगे चलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाई चूजिंग द करेक्ट फॉर्म द फॉर्म ऑफ वर्ब फ्रॉम दैट फॉलो। जिम केम यस्टरडे, आई डू नॉट नो वेदर ही डैश टूडे। तो यहाँ पर विल बी कमिंग होगा। इम्प्रूव द अंडरलाइन फ्रेज इफ नेसेसरी विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शंस। तो यहाँ पर वाक्य दिया गया है, इसमें जो है कि एक गलती है, तो उसको गलती को हमें इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पर आंसर नंबर 2 इसका सही है, लेट टू ए रेस्ट में लेट टू रेस्ट, यह सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आइडेंटिफाई द फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस दैट मे बी एरोनीज, मतलब कोई गलती है। ये चार शब्दों, मतलब चार शब्दों को मिला करके एक वाक्य बनता है चार। तो यहाँ पर जो है कि पार्ट नंबर 2 जो है गलत है, टेक्स अप फ्रंट ऑफ में गलती है। तो ये जो है कि 2 नंबर का, मतलब 2 नंबर इसका गलत है। आगे चलते हैं। तो बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड, सबसे नज़दीक और अच्छी तरह से जो व्याख्यान करे हुडलम को, वो है अ वायलेंट क्रिमिनल, जो जिसको हुडलम कहते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो है कि ऑपोजिट, मतलब विपरीत अर्थ का कोई शब्द, विपरीत शब्द कौन सा होगा, विपरीतार्थक शब्द। तो यहाँ पर डस्की का जो है कि विपरीतार्थक होगा ब्राइट, तो उत्तर नंबर 2 इसका सही है। चूज द एक्सप्रेशन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द वर्ड फेलिएबल। तो फेलिएबल, फेलिबल के लिए जो है कि सबसे बढ़िया शब्द जो है एप्ट टू मेक मिस्टेक्स और गो रॉन्ग, ये जो है कि क्वेश्चन आंसर नंबर 4 सही रहेगा। आगे चलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो बाई यूजिंग अ करेक्टेड फॉर्म। यहाँ पर जो है कि एक वाक्य दिया गया है, एक वाक्य में जो है कि कुछ वाक्य, कुछ पद जो है कि छोड़े गए हैं, उसको जो है कि हमें इन चारों में से देख करके पूरा करना है। तो यहाँ पर सबसे एक नंबर का जो है वो सही है, हैव नेवर बदर्ड। तो आई डू नॉट बदर मच अबाउट मनी, आई हैव नेवर बदर्ड अबाउट इट ऑल माई लाइफ। आगे चलते हैं। तो ये 10 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, अब हम चलते हैं हिंदी की तरफ। तो हिंदी में पूछा गया था कि जिस संज्ञा से पदार्थ में पाए जाने वाले किसी धर्म का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो पदार्थ में पाए जाने वाले किसी भी धर्म का बोध होता है तो उसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? तो यहाँ अन्न जल भी मिलता जुलता है, अच्छा है, संगत है, आचार विचार नॉन तेल, तो यहाँ पर पीना खाना जो है कि कोई बोलता नहीं है, तो ये जो है कि असंगत लग रहा है, तो यही उत्तर सही है। तो आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मैंने उत्तर यहाँ पर अंडरलाइन किए गए हैं ये KBS के ऑफिशियल कीज है, तो इसी को हम ध्यान रख करके आप के सामने रिवाइज कर रहे हैं। आगे चलते हैं, जल पिपासु शब्द में कौन सा समास है? तो जल का पिपासु, तो यहाँ पर जो है जल के लिए पिपासु अथवा जल का पिपासु, तो यहाँ तत्पुरुष समास होगा। एक तो करेला, दूजे नीम चढ़ा, एक तो ऊपर से इतना वो है, उसके बाद और नीम में चढ़ गया, तो एक साथ दो या कई दुर्गुणों का होना, इसका उत्तर सही है ऑप्शन नंबर 4। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है, काव्य लक्षण के विषय में यह कथन किसका है? तो ये आचार्य विश्वनाथ का है। आचार्य विश्वनाथ जी ने साहित्य दर्पण लिखा है संस्कृत में, जिसमें जो है कि पूरे संपूर्ण काव्य नाटकों के बारे में बताया गया है, रस के बारे में बताया गया है। तो आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्ध तत्सम है? तो सबसे कौन सा शब्द अर्ध तत्सम है? तो निम्नलिखित में से अक्षर शब्द जो है वह अर्ध तत्सम है। निम्नलिखित में से कामायनी का काव्य रूप क्या माना जाता है? तो कामायनी बहुत प्रसिद्ध है और उस कामायनी महाकाव्य हर कोई जो है कि प्रसिद्ध है, बच्चा बच्चा भी जानता है, क्योंकि ये हमारे व्यवहार में बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ है, प्रचलित है। आगे चलते हैं, तपोवन शब्द में कौन सी संधि है? तो तपस धन वन, तो तपस प्लस वन है, तो वहां सा को जो है क्या हुआ है कि ऊ हुआ है और ओ हो चुका है, मतलब गुण हुआ है, तो यहाँ पर विसर्ग संधि है, विसर्ग है, सको सको विसर्ग, विसर्ग को सा हुआ, उसके बाद उसको ऊ हो करके ऊ बना है, तपोवन बना है। खड़ी बोली हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो देखिए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली आती है। उस मूल ध्वनि को जिसके खंड ना हो सके उसको क्या कहते हैं? तो जिस ध्वनि का खंड ना हो सके, और ध्वनि का सबसे मूल रूप क्या है? वर्ण है, तो वर्ण का खंडन नहीं हो सकता है, खंडन नहीं हो सकते हैं, भाग नहीं हो सकते हैं। आगे चलते हैं, तो दोस्तों ये रहे हिंदी के जो 10 क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं के बारे में, जो क्वेश्चन आए थे उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर है, कोलकाता खेल पत्रकार क्लब के द्वारा हाल ही में निम्नलिखित में से किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नाम दिया गया था? तो ये दिया गया था सुनील छेत्री को। निम्नलिखित में से किस संस्था ने विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट प्रकाशित की? तो बहुत लोगों ने जो है कि ये बहुत कंफ्यूज करने वाला वो है रिपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य भी दिया गया है, तो प्रसन्नता और स्वास्थ्य में जो है कि लगता है कि मिलता जुलता है, इसलिए बहुत लोगों ने जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन को ही टिक लगा के आए हैं, लेकिन ये गलत है। ये रिपोर्ट जारी करती है संयुक्त राष्ट्र संघ संस्था जो है इसको जारी करती है। आगे चलते हैं, पहला स्थान कौन सा था जहां सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी? तो यहां पर जो है कि हड़प्पा जो है वो है, वो पहली सभ्यता है, पहली जगह है जहां पर सिंधु घाटी की सभ्यता का खोज हुआ था। आगे चलते हैं, शेषाचलम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो इसका जो है कि उत्तर नंबर 3, 4,755.9 किलोमीटर स्क्वायर, ये जो है कि क्षेत्रफल है, तो ये जो है कि सही उत्तर है। सशक्त कार्यक्रम की घोषणा भारत सरकार के द्वारा जुलाई 2018 में की गई थी, वो किसके लिए की गई थी सशक्त कार्यक्रम? तो इसका उत्तर एक है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में दबाव में आई परिसंपत्तियों के समाधान के लिए किया गया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो अभी हमारे जिस समय परीक्षा हो रहा था, तो उस समय का अध्यक्ष कौन है? एनके सिंह। तो इस क्वेश्चन में जो प्रश्न पूछे गए हैं जीके में, तो जीके से ही नंबर मिलते हैं, तो हमें जो है कि आगे भविष्य में जो है कि आपको जो है जीके को ही तैयारी करनी है और पेडागोजी को तैयारी करनी है। जिस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे वित्त आयोग के बारे में आ रहा है, ऐसे कोई नए कोई अधिकारी नियुक्त हुए, तो उसको हमें देखना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, सूची एक में दिए गए अर्थशास्त्रियों का मिलान सूची दो में उनसे संबद्ध विकास सिद्धांतों से कीजिए। तो यहाँ पर जो है कि अर्थशास्त्र दिए गए हैं सूची एक में, सूची दो में जो है कि उनके सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे PC महालनोबिस का जो है कि कौन सा सिद्धांत था? द्रुत औद्योगिकरण तथा सार्वजनिक क्षेत्र को सबल बनाना। तो ये सब आप देख सकते हैं, इसका जो है कि उत्तर जो है कि 4 नंबर है। कोएपेन की जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार निम्नलिखित में से किस विशेषता का संबंध शीतोष्ण से है? तो यह है, मध्य देशांतरीय मौसमी वर्ष के सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक किंतु 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो ये जो है कि इसका संबंध है शीतोष्ण से है। रूस के स्टेपी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से मूल निवासी रहते हैं? तो रूस के स्टेपी क्षेत्र में किर्गिज मूल निवासी रहते हैं। 2015 में स्थापित हरित राष्ट्रीय लेखाकरण GNA ग्रीन नेशनल अकाउंटिंग जिसको बोलते हैं, योजना को रूप देने वाली विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष पार्थदास गुप्ता थे।
सूची दो में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों का मिलान सूची एक में दिए गए भारतीय संविधान के अनुच्छेदों से कीजिए। तो यहाँ पर जो है कि नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत दिए गए और भारतीय संविधान के अनुच्छेद दिए गए, तो इसका मिलान करना है। तो इसका मिलान करेंगे जैसे अनुच्छेद 41 का किससे संबंध है, काम का अधिकार से है। तो ये उत्तर नंबर एक इसका सही है, इसको मिलान कर सकते हैं आप लोगों को। इसको मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे सकता हूं संपूर्ण किताब का, क्वेश्चन पेपर का। निम्नलिखित में से किस स्थान पर समुद्र सतह से नीचे धान की खेती का काम किया जाता है, धान की खेती का काम किया जाता है। तो यहाँ पर समुद्र सतह से नीचे कुटनाड जो जगह है वहां पर जो है कि धान की खेती का काम किया जाता है। आगे चलते हैं। 1973 में निम्न किस भौगोलिक क्षेत्र में अल बिरूनी का जन्म हुआ था, तो उज्बेकिस्तान में यहां हुआ था। बहुत लोगों ने तुर्कमेनिस्तान किया है, यह गलत है, उज्बेकिस्तान इनका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से जलवायु का वह कौन सा रूप है जिसे हिमालय, एंडीज और एल्पस के पर्वतीय क्षेत्रों में अनुभव किया जाता है, तो यह है उच्च भूमि जलवायु। भारतीय नियोजन का निर्माता किसे माना जाता है, तो भारतीय आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग, तो यह भारतीय नियोजन का निर्माता माना जाता है पीसी महालानोबिस को, तो ये आपको ध्यान देंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध स्थानिक प्रजाति एंडेमिक रिसीज से है, तो वे प्रजातियां जो केवल किसी विशिष्ट क्षेत्रों में पाई जाती हैं, सामान्यतः प्राकृतिक या भौगोलिक रुकावटों के कारण अलग 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 थलग होते हैं, तो ये है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित घटना का सही कालक्रम क्या है, तो इसका सही कालक्रम है रॉलेट सत्याग्रह, फिर उसके बाद जालियांवाला बाग से जनसंहार, उसके बाद जो है कि खिलाफत आंदोलन, उसके बाद जो है बारदोली का किसान आंदोलन, तो इसको जो है कि हमें याद करना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान के भाग तीन का अंग नहीं है, भारत के संविधान के भाग तीन का अंग नहीं है, न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना यह अंग नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिन विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया गया है, तो ये फरवरी 20, 2018 को जो है विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया गया है। आगे चलते हैं। भीमा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो भीमा सहायक नदी है कृष्णा नदी की। चलिए आगे चलते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए वांछित न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है, तो आपको पता होना चाहिए अभी तत्काल ये अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था कांग्रेसियों ने, तो ये हो नहीं पाया, तो मोदी जी के लिए किया गया था भाजपा के लिए, तो यहाँ पर न्यूनतम सदस्य होने चाहिए 50। निम्नलिखित में से कौन से गैस की वैश्विक ताप वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग के सामर्थ्य अधिक है, तो यहाँ पर जो है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड को जो है कि इसका सामर्थ्य अधिक है, वैश्विक ताप वृद्धि की सामर्थ्य अधिक है। मुगल दरबार में जिस सुलेखकार को सुनहरी कलम उपाधि से पुरस्कृत किया जाता था वह किस नाम से जाना जाता था, तो जिससे सुनहरी कलम उपाधि से पुरस्कृत किया जाता था उसे अंबारीन कलम के नाम से जाना जाता था। आगे चलते हैं। सह अंशदायी पेंशन योजना स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई थी किस बजट में, तो 2010-11 के संघीय बजट में सह अंशदायी पेंशन योजना स्वावलंबन की घोषणा सरकार द्वारा की गई थी। आगे चलिए। 2030 तक प्राप्त कर लिए जाने वाले धारणीय सस्टेनेबल विकास के लक्ष्य का भाग नहीं है, तो यहाँ पर जो है सबके लिए निःशुल्क उच्च शिक्षा जो है यह कोई विकास के लक्ष्य का भाग नहीं है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कानून के अंतर्गत पुलिस अधिकारी के समक्ष सह अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकृति को अभियुक्त के विरुद्ध सबूत के रूप में माना गया है, तो यह है टाड़ा 1985 कानून के अंतर्गत पुलिस अधिकारी के समक्ष सह अभियुक्त द्वारा अपराध स्वीकृति को अभियुक्त के विरुद्ध सबूत के रूप में माना गया है। आगे चलिए। निम्नलिखित में से कौन से निक्षेप अंडों की टोकरी बास्केट ऑफ एग्स स्थलाकृति का निर्माण करते हैं, तो कौन से निक्षेप करते हैं, तो यह है ड्रमलिन। सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो है कि बुद्ध सूची एक में बुद्ध के जीवन की घटनाएं हैं और उन घटनाओं के प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति सूची दो में रखे गए हैं जिसको हमें मिलाना है। तो जन्म के साथ जो है कि इनका किससे संबंध है, किस प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति से संबंध है, तो इनके जन्म का जो है कि गज के साथ संबंध है, और संबोधि का इनको जो संबोधि कहाँ मिला था, ये बोधि वृक्ष में मिला था। इन्होंने प्रथम उपदेश का जो संबंध है वह है चक्र, और परिनिर्वाण कहाँ हुआ था, स्तूप। तो इस प्रकार से आप इसको संबंध है, प्रत्येक घटनाओं का एक प्रतीकात्मक चिन्ह है उसको ध्यान रखेंगे। 2018 के एकेडमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर निम्नलिखित में से किसे प्राप्त हुआ, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड द शेप ऑफ वाटर को प्राप्त हुआ। पंचायत का कार्यकाल होता है प्रथम बैठक के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष,
तो ये सही उत्तर है। सबसे ध्यान रखिएगा, ये पुनः भी ये प्रश्न आ सकता है, प्रथम बैठक के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष, जो प्रथम बैठक है उसके उससे शुरू हो जाती है कार्यकाल, तो वो उससे निर्धारित 5 वर्ष, जैसे आज यदि कार्यकाल शुरू हुआ है, बैठक हुआ है, तो उसके इस आज से ही शुरू होगा 5 साल तक। आगे चलिए, 2018 में प्रकाशित उपन्यास द वुमन इन द विंडो का लेखक कौन है? तो 2018 में प्रकाशित उपन्यास द वुमन इन द विंडो के लेखक है एजे फिन। कीस्टोन प्रजातियां हैं, कीस्टोन स्पाइसेस आर वे प्रजातियां जिनका अपने समुदाय की ऊर्जा प्रवाह तथा संरचना पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, उनको कहेंगे कीस्टोन प्रजातियां, ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, जब लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा हो, जिसमें समय और स्थान के अनुसार उसका वितरण भी ठीक ना हो, तो उसे कहा जाता है मौसम विज्ञान संबंधी सूखा। भारत के किस राज्य ने आहार योजना की शुरुआत की जो शहरी गरीबों को सस्ता भोजन उपलब्ध कराती है? तो यह ओडिशा सरकार ने शुरू की, ओडिशा राज्य ने शुरू की। सूची एक तथा सूची दो का मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर सूची एक में जो है महलों के बारे में बताया गया है, ऐतिहासिक जगहों के बारे में है, तो ये कहाँ पर पड़ता है? तो देखिए, यहाँ चर्चा करते हैं, तो जहाज महल है मध्य प्रदेश में, अंग महल है नागालैंड में, राइटर्स बिल्डिंग है पश्चिम बंगाल में, सेंट जॉर्ज का किला है तमिलनाडु में। तो ये ध्यान देंगे, दोबारा भी उस प्रश्न आ सकता है। चिदंबरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है? तो यहाँ पर अलवार, जैन, नैनार और वैदिक में से नैनार है। नैनार जो है कि शिव संप्रदाय के लोगों को नैनार कहते हैं और वैष्णव संप्रदाय के लोगों को अलवार कहते हैं, इसको भी हमें ध्यान देना है। 2018 के एशियन खेलों की पुरुष शॉट पुट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता, तो यहाँ जीता तेजिंदर पाल सिंह तूर ने जीता। किसानों के द्वारा ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए सूर्य शक्ति किसान योजना, जिसको शॉर्टकट में स्काई भी कहा जाता है, किस राज्य सरकार द्वारा की गई पहल है? तो यह गुजरात राज्य सरकार द्वारा की गई पहल है। निम्नलिखित में से कौन सी महिला टीम विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2018 की विजेता थी? तो यहाँ पर जो है कि चीन की महिला टीम विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2018 की विजेता थी। भारत में ताजा पानी का सबसे बड़ा झील कहाँ है? तो आपको ध्यान रखना है, भारत में ताजा पानी का सबसे बड़ा झील वुलर झील है। अब यहाँ पर रीजनिंग के बारे में था, तो रीजनिंग के बारे में भी मैंने आपको यहाँ बताया है, दिखाया है। जैसे किसी कूट भाषा में शब्द TRIP को कूट QJSU द्वारा दर्शाया गया है, तो कूट LSPD को क्या संगत है? तो यहाँ पर आप इसको भी देखेंगे, इसका भी मैंने ट्रिक दिया है, ये तो प्रैक्टिस की चीजें हैं, बताने की चीजें नहीं है। अभिकथन के नीचे विकल्प के रूप में 4 निष्कर्ष दिए गए हैं, तो उसको हमें देख करके निष्कर्ष का चयन करना है, कौन सा अधिक अभिकथन उसको मतलब वो करता है। तो देखिए, उस दुकान में अधिकांश खिलौने महंगे हैं, तो अधिकांश खिलौने महंगे, तो इसको जो है कि कौन से ये इसका जो है कौन जो है अनुसरण करता है? तो उस दुकान में सस्ते खिलौने भी हैं, अधिकांश महंगे हैं लेकिन कुछ उस दुकान में सस्ते खिलौने भी, ये भी उसका चूज करता है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर श्रृंखला है, श्रृंखला को देखना है, हमें गणित के साथ मिलाना पड़ेगा, सी के बाद एक्स क्यों आया, उसका डी और डब्ल्यू क्यों आया, इस प्रकार से है। तो आगे चलते हैं, किसी लड़के की ओर संकेत करके करते हुए शशि कहती है, वह मेरे दादा की इकलौती संतान का पुत्र है, उस लड़के का शशि से क्या संबंध है? तो उसका भाई संबंध है, तो शशि का से उसका संबंध है भाई। तो यहाँ पर अल्फाबेटिक दिए गए हैं, 3-5 शब्द जो है कि ये अक्षर से शुरू होते हैं, तो यहाँ पर शब्दकोश के क्रम से हमें रखना है शब्दों को, तो ये उत्तर जो 2 इसका सही है। आगे चलिए, ये आकृतियां दी गई हैं, तो इसको जो है ये प्रतिबिंब, सही प्रतिबिंब को हमें छांटना है, तो यहाँ पर जो है कि आंसर नंबर 4 जिसका डी उत्तर है, तो वो सही है। आगे चलते हैं, तो यहाँ पर जो है कि यहाँ जो है कि निम्न सारणी दी गई है, तो सारणी के अनुसार हमें सारणी को ध्यान में रख करके और उसका उत्तर देना है। आगे चलते हैं, किसी परिवार में 4 बहनें हैं, इनमें से नवनूर मानवी से छोटी पर तोषणा से बड़ी है, साधिका तोषणा से बड़ी पर नवनूर से छोटी है, सबसे बड़ी को संख्या 1 आवंटित की गई तथा है तथा संख्या 4 सबसे छोटी को आवंटित की गई है, इनमें से संख्या नंबर 2 कौन है? तो यहाँ पर नवनूर है, ये सब बौद्धिक है, तो इसके लिए हमें यहाँ चर्चा नहीं करना है। तो यहाँ पर एक समान के कुछ अक्षरों को, कुछ शब्दों को, कुछ चिन्हों को जो कि मिस्टेक करके यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है।
बॉल की कीमत कितनी है, बॉल की कीमत कितनी है, तो इसका अभिकथन है एक हॉकी की स्टिक तथा इसके बॉल की कीमत 650 है, और अभिकथन दूसरा क्या है, हॉकी की स्टिक की कीमत इसके बॉल की दुगनी कीमत से 20 रुपये अधिक है। तो दोनों अभिकथनों में दिए गए आंकड़े प्रश्न के उत्तर के लिए अनिवार्य हैं, ये सही है। आगे चलते हैं, यहाँ चोर पुलिस तथा अपराधी को चूज करना है, तो यहाँ पर कौन सा आरेख बन पाएगा, तो ये देखना है, ये सही उत्तर है। आगे चलते हैं, इसका भी जो है कि उत्तर नंबर दो सही है। इसको इसकी चर्चा करते हैं, किसी घन के सभी फलकों को नीले रंग से रंगा जाता है, इसे काटकर 64 छोटे छोटे घनों में बांटा जाता है, अब यह घन अलग अलग हैं, रंगविहीन फलकों वाले छोटे घनों की संख्या है 8, तो इसको ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, अब देखिए उस सही विकल्प को चुनिए जिसका सही वही संबंध तीसरे पद से है जो संबंध दूसरे पद का पहले पद से है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 24 लिखा है, तो इसको कैसे, ये 1 2 3 4 24 कैसे हुआ, तो ध्यान देंगे, 1 2 2 2 3 6 6 4 24, इस प्रकार से 3 1 5 4 का कौन होगा, 3 1 3 3 5 15 15 4 60, तो उत्तर नंबर दो सही है इसका। जोड़ विद्यालय से पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, वह दाएं मुड़ता है तथा 3 किलोमीटर चलता है, वह फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलकर अपने घर पहुंचता है, जोर्ज का घर विद्यालय से किस दिशा में अवस्थित है, तो यह दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। आगे चलते हैं, इस प्रकार का प्रश्न भी आएगा, 5 महिलाएं ए बी सी डी ई दक्षिण की ओर मुंह कर एक पंक्ति में बैठी हुई हैं, 5 पुरुष एल एम एन ओ पी उस पंक्ति के समांतर एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह कर बैठे हैं, तो इसको किस प्रकार से कौन किसके बैठा हुआ है, विकर्णाभिमुख क्या होता है, इसको पढ़ना है, इसको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तो ये सब जो है कि टेनिस को, टेनिस जिसमें खेलते हैं उसको कोर्ट बोलते हैं, तो क्रिकेट किसमें खेलते हैं, ग्राउंड में खेलते हैं, इसी प्रकार से आगे चलिए। अभी कथन दिया गया है, सभी कलम पुस्तकें हैं, सभी रबर पुस्तकें हैं, इसका निष्कर्ष है कुछ कलम रबर है, कुछ पुस्तकें कलम है, तो केवल निष्कर्ष दो सही है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक को चुनना है जो 3 अन्य विकल्पों से भिन्न है, तो कड़ी जोड़ना लिंक हो गया, बंधन में जुड़ना बाण हो गया, बॉन्ड हो गया, संबंध करना कनेक्ट हो गया, कंटिया लगाना हुक लगाना, ये जो है कि इन तीनों से अलग है। आगे चलते हैं, तो ये सब थे 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, इसके बाद 10 क्वेश्चन जो है कंप्यूटर के हैं, तो कंप्यूटर की हम चर्चा करते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में सभी डाटा को किसके रूप में निरूपित किया गया है, तो केवल 2 अंकों 0 और 1 के रूप में निरूपित किया गया है। एमएस पावर पॉइंट के स्लाइड शो में कौन सा काम संभव है, तो यहाँ पर दिए गए 3 ऑप्शन में किसी वेबसाइट को ब्राउज करना यह संभव है, यूट्यूब वीडियो चलाना यह संभव है, लेकिन एमएस पावर पॉइंट में कक्षा का परिणाम तैयार नहीं हो पाता है, तो ये गलत है, तो ए और बी सही है, तो इसका उत्तर नंबर 1 इसका बहुत बिल्कुल सही है। वर्कशीट एमएस एक्सेल में संख्यात्मक डाटा प्रविष्टि पूर्व निर्धारित रूप से कहाँ होती है, तो यहाँ पर संख्यात्मक डाटा प्रविष्टि पूर्व निर्धारित रूप से राइट में होती है, तो ये सही है। आगे चलते हैं, एनालॉग लाइनों पर डिजिटल डाटा ले जाने को क्या कहते हैं, तो उसको मॉडम कहते हैं। वीजीए से तात्पर्य क्या है, वीजीए क्या होता है, तो वीडियो ग्राफिक्स एरे बोलते हैं, ये बाद में पुनः प्रश्न आ सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। एमएस एक्सेल का प्रयोग करके निम्नलिखित में से कौन से कार्य किए जा सकते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर 3 कार्य को बताया गया है, तो 3 कार्यों में ए और बी कार्य जो है वो कर सकते हैं, तो ए और बी कौन कौन से कार्य हैं, विद्यार्थियों का परिणाम तैयार करना और भारतीय शास्त्रीय गायकों का उनके घराने के संबंध का नाम स्टोर करना, ये एमएस एक्सेल में कर सकते हैं। क्या चीज नहीं कर सकते हैं दिए गए विकल्पों में से, तो सी नहीं कर सकते हैं, सी में क्या है, म्यूजिक वीडियो चलाना, तो एमएस एक्सेल में म्यूजिक वीडियो नहीं चलता। आगे चलते हैं, वे उपकरण जो कंप्यूटर में सूचना की प्रविष्टि करते हैं और उसके साथ संवाद करते हैं, इसको क्या कहते हैं, तो प्रविष्टि, सूचना की प्रविष्टि इनपुट से होती है, तो उसको कहते हैं इनपुट कहते हैं। यहाँ पर देखिए एमएस ऑफिस के फाइलों का एक्सटेंशन दिया गया है, तो इसको हमें चूज करना है, तो यहाँ पर एक्सएल एसएक्स डीओसीएक्स और पीपीटीएक्स जो है कि
उत्तर नंबर दो इसका सही है, क्योंकि पहला जो है कि एक्सेल के लिए है, दूसरा जो है कि वर्ड फाइल के लिए है, तीसरा पावर पॉइंट के लिए है, और अन्य तीनों विकल्पों में पीडीएफ है, जो पीडीएफ जो है कि एडोब का होता है, अन्य किसी होता है, माइक्रोसॉफ्ट का नहीं होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम या एक डिस्क से दूसरे डिस्क तक फैले एक व्यवधानकारी प्रोग्राम को कहते हैं, तो जो व्यवधानकारी प्रोग्राम होता है उसको वायरस कहते हैं, तो ये उत्तर सही है। कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी आइटम को नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस का प्रयोग करने की क्रिया क्या कहलाती है? किसी आइटम, किसी चीज को जो है कि कंप्यूटर के माउस से इधर से उधर ले जाना, मतलब ऊपर से नीचे ले जाना, एक से दूसरे फोल्डर में डाल देना, तो इसे कहते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। तो मित्रों ये थे केवीएस टीजीटी एग्जाम में पूछे गए 110 क्वेश्चन के आंसर, और बाकी जो 40 हैं इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, पेडागोजी सेक्शन का अलग वीडियो बनाया है, तो वहां से आप जो है कि उसको देख सकते हैं, और उसके डिस्क्रिप्शन में भी मैंने उसका पीडीएफ लिंक दिया है, तो वहां से आप जो है पेडागोजी के नोट्स तैयार प्रिंट आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इस पीडीएफ फाइल के साथ जो मैं इसके वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन में दूंगा, इसके साथ भी वो पेडागोजी का जो है कि पीडीएफ फाइल है उसको आप देख सकते हैं, उसको भी मैंने लिंक कर दिया है, तो दोनों जगह सहूलियत हो जो भी कोई देखे। तो ये सब आप लोगों के लिए है, हमारे सबके लिए है, जो भी हम आगे शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे कि ये भाई हमें अपने आगे बढ़ाने के लिए है, तो इसको प्रोत्साहन करना चाहिए, तो आप हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं जल्दी ही जैसे जैसे कोई परीक्षाएं होती हैं अथवा परीक्षाओं की तैयारी के लिए पेडागोजी विषय से और जीके से, करंट अफेयर से जो भी नई नई जानकारी है उसको लेके आता रहूंगा, तब तक हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। ये इसका ऑफिशियल जो है कि ये आंसर की भी यहाँ पर मैंने रख दिया है, एक पेज में है जो इस पेपर सेट के साथ संगत है, तो यहाँ पेपर क्वेश्चन पेपर का सेट पी है, तो इसका मैंने आंसर की भी पी सेट का यहाँ पर लगा दिया है, अटैच किया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके हमेशा पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 40 क्वेश्चन जो पेडागोजी के मैंने अभी आपको नहीं करवाया है, तो इसका जो है नोट्स मैंने बनाया है, तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि इसके बारे में कुछ चर्चा करनी है तो इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, क्योंकि मैंने पेडागोजी का अलग से वीडियो बनाया है, तो उसको आप देखिए और बने रहिए, अपडेट होते रहिए। आज के लिए इतना ही।